तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोसी तटबंध सिमरी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये कोसी नदी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये नेपाल कोसी बैराज से छुटकर यहाँ से गुजरती है। तो चलिए इसका निरीक्षण करते हैं, यहाँ पर कितना पानी है। और यहाँ देखिए काफ़ी ढलान है, तो चलिए हम पहुँचते हैं पहले नीचे। तो दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पानी का रफ्तार बढ़ गया है और पानी का बढ़ाव भी हो चुका है, तो हम आ गए यहाँ पर देखने के लिए। क्योंकि आप लोगों के लिए हम हर एक न्यूज़ लेकर के आते रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं लगभग नदी के बीच में हूँ। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो ये जो ढलान आपको दिख रहा है ये नहीं दिखता, ये पानी के रुकावट के लिए बनाया गया। क्योंकि हर बार पानी ना सब ऊपर पहुँच जाता है, ये हम लोग इसको नोज कहते हैं। देख सकते हैं ये बांध से एक छोर छोड़ा गया है नदी के बीचों बीच, इसको हम लोग नोज बोलते हैं। और यहीं पे यही इसी का कटाव होना शुरू हो जाता है। जब पानी का रफ्तार बढ़ जाता है, पानी आगे की ओर आने लगती है, तो ये बढ़ जाता है। तो उसी के यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पत्थर को जाली के अंदर बांधा गया है। यानी कहने का मतलब ये काफ़ी अच्छा बांध भी बन चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ महानुभाव सब मुझे नज़र आ रहा है, ये इनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले आप दृश्य देख लीजिएगा, अभी थोड़ा पानी कम है। हालांकि उसे पहले ही पानी बढ़ने से पहले ही सुरक्षा के लिए इसको बांध दिया गया है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कोई क्षतिग्रस्त ना हो और ना बांध के कटा हो। तो चलिए आइए आप पूछते हैं इनसे कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार मेहता है। यहाँ का मैं मूल निवासी तो नहीं हूँ, मेरा घर सिमराही पड़ता है और मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमको घूम के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग सच में, आप लोग रूम में अगर कूलर का हवा लगाते होंगे, लेकिन यहाँ पे जब आइएगा तो सचमुच में कहिएगा क्या प्राकृतिक का हवा लगता है। और भी हम यहाँ पे आके बहुत सारा नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत हम लोग पहाड़ भी यहाँ पे पीछे में दिखाइएगा, थोड़ा सा पहाड़ भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ पे, देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में कुछ कुछ आदमी जो हैं, और यहाँ पे पहाड़ से थोड़ा बहुत गाछी उछर भी कट के आता है, और वहाँ पर लोग सब बिछने का काम करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं और अपना गुजारा बसारा चलते हैं। जैसे देख रहे हैं वहाँ पे नाव पे, देख लीजिए किस प्रकार से आदमी वहाँ पे ट्रेवल करके और जान को अपने हाथ में लेके, देख सकते हैं पानी में, देखिए किस प्रकार से अपने जान को हाथ में लेके आ रहे हैं। अगर डूबता है तो सोच सकते हैं कितना आदमी वहाँ पे चले जाएगा। किसी प्रकार का सेफ्टी का भी कोई भी वहाँ पे प्रबंध नहीं किया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और चलिए अब हम आपको थोड़ा सा जानकारी बताते हैं। ये जो पानी आ रही है, ये नेपाल का जो कोसी बैराज है वहाँ पे, जो कि बहुत ही बड़ा बैराज है, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चेकआउट कीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और मैं कोसी का भी दृश्य दिखाया हूँ कि वहाँ पर रफ्तार क्या है, जहाँ से ये पानी आती है वहाँ का रफ्तार। अभी तो ये मैं लगभग ये सिमरी गाँव पड़ता है, यहाँ सिमरी गाँव के समीप हूँ, तो यहाँ पर अभी पानी नहीं बढ़ा हुआ है, थोड़ा कम है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं फिर आऊँगा दिखाने के लिए, जिस समय में पानी का रफ्तार इस पर चढ़ जाएगा उस टाइम भी मैं आऊँगा। तो आप लोग प्यार कर दीजिए वीडियो को, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नया आया हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।